बड़ी खबर राजस्थान से, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति को पूर्णतया लागू किया है गहलोत सरकार ने और आज घोषणा की है पैरा टीचर्स को एक नई बड़ी सौगात देने के लिए। ग्राम पंचायत सहायक शिक्षा कर्मी पैरा टीचर्स व मदरसा पैरा टीचर्स को मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय 16,900 रुपये करने को सीएम की मंजूरी। संविदा कर्मियों को 9 वर्ष की संविदा सेवा अवधि पर मासिक मानदेय बढ़ाकर 29,600 किया जाएगा। संविदा सेवा अवधि 18 वर्ष पूर्ण करने पर 51,600 रुपये मानदेय दिया जाएगा। ये गहलोत सरकार ने फैसला लिया है और फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति की गाइडलाइन के तहत लिया है। क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की गाइडलाइन, अभी हम आपको इस स्क्रीन पर आप देखिए दिखा रहे हैं। तो साथियों, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का पॉइंट नंबर PS 1.8 पैरा टीचर्स की प्रैक्टिस को ख़त्म करना, 2022 तक देश भर में पैरा टीचर्स शिक्षा कर्मी शिक्षा मित्र आदि व्यवस्था को बंद किया जाएगा। यह है इस वजह से किया जाएगा कि शिक्षक पूरी तरीके से अपने काम के प्रति समर्पित हों और समुदाय के साथ लंबे समय तक गहरे संबंध बनाएं। कहने का तात्पर्य है संविदा समाप्त कर उनके पदों पर नियमित किया जाए, उन्हें समान कार्य समान वेतन दिया जाए। अब आपको वो ट्वीट दिखा रहा हूँ जिसमें गहलोत सरकार ने ट्वीट किया, ग्राम पंचायत सहायक शिक्षा कर्मियों पैरा टीचर्स एवं मदरसा पैरा टीचर्स के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान कंट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत ग्राम पंचायत सहायकों शिक्षा कर्मियों पैरा टीचर्स व मदरसा पैरा टीचर्स के मासिक मानदेय को बढ़ाकर 16,900 रुपये कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी का लाभ बीएड बीटीसी एवं डीएलएड की शैक्षणिक योग्यता पाने वाले संविदा कर्मियों को दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में शिक्षा कर्मी पैरा टीचर्स ग्राम पंचायत सहायक एवं मदरसा टीचर का पदनाम संशोधित कर ग्राम सहायक शिक्षक कनिष्ठ शिक्षक पंचायत शिक्षक एवं शिक्षा अनुदेशक कर दिया गया है। इन नियमों के अंतर्गत आने वाली पूर्व यदि किसी संविदा कर्मियों को नए निर्धारित मानदेय से ज्यादा मानदेय प्राप्त हो रहा है तो उसके मानदेय को संरक्षित किया जाएगा। वन नेशन वन सिस्टम क्यों नहीं हो सकता हमारे देश में, जब गहलोत सरकार राजस्थान की कर सकती है तो यूपी क्यों नहीं। उन्होंने अपने अन्वेषकों को शिक्षा अन्वेषक पद पर समायोजित किया है और सम्मानजनक मानदेय देने का कार्य किया है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। ग्राम पंचायत सहायकों शिक्षा कर्मियों पैरा टीचर्स एवं मदरसा पैरा टीचर्स के मानदेय में वृद्धि करते हुए उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान कंट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल टू रूल्स 2022 के तहत ग्राम पंचायत सहायकों शिक्षा कर्मियों पैरा टीचर्स व मदरसा पैरा टीचर्स के मासिक मानदेय को बढ़ाकर 16,900 रुपये कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी का लाभ बीएड बीटीसी अथवा डीएलएड की शैक्षणिक योग्यता वाले संविदा कर्मियों को दे होगा। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में शिक्षा कर्मी पैरा टीचर्स ग्राम पंचायत सहायक एवं मदरसा टीचर्स का नाम बदल कर यानी कि उनको नाम संशोधित कर क्रमशः सहायक शिक्षक कनिष्ठ शिक्षक पंचायत शिक्षक एवं शिक्षा अनुदेशक कर दिया गया है, जो कि यूपी में भी किया जा सकता है। साथ ही इन सभी पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों को 9 वर्ष एवं 18 वर्ष की संविदा सेवा अवधि पूरी करने पर मासिक मानदेय बढ़ाकर क्रमशः 29,600 एवं 51,600 रुपये कर दिया जाएगा। यानी साथ ही पदनाम में क्रमशः ग्रेड 2 व ग्रेड 1 जोड़ने का प्रावधान भी किया गया है। इस नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी संविदा कर्मी को नए निर्धारित मानदेय से ज़्यादा मानदेय प्राप्त हो रहा है तो उसके मानदेय को संरक्षित किया जाएगा। इस निर्णय से राजस्थान कंट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत उच्चतर मानदेय एवं पदनाम मिलने से संविदा कर्मियों के एक बड़े वर्ग को लाभ मिलेगा। तो साथियों, आपने देखा राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया है और अपना नाम शुमार किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा पहले ही आदेशित किया जा चुका है समस्त राज्यों को कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समस्त राज्य लागू करें। अब देखना है यूपी कब लागू करता है अपने प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और कब देगा अन्वेषक शिक्षा मित्रों को उनका हक उनका सम्मान। बने रहिए हमारे साथ अन्वेषक न्यूज़ पर, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।